आज संतोष मांझी का इस्तीफा यह साफ संकेत है कि महागठबंधन में भारी दरार है। लालू जी, नीतीश जी अब तन्हा तन्हा रह गए, बाकी सब उनको छोड़कर जाने वाले हैं। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो मतलब जो बैठक होगी वो चुनौती रहेगी? नहीं, कोई चुनौती, वो उनके लिए चुनौती है जिनके खिलाफ यह एकजुटता है। यह स्वभाव ही नहीं रहा है कि वो किसी के साथ किसी तरह का दबाव बनावे, और मर्जर का तो कहीं दूर दूर तक हम लोग को कोई चर्चा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया। आपको मालूम हो 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं का महाजुटान होना है, और इस महागठबंधन के महाजुटान से पहले संतोष सुमन, जो कि जीतनराम मांझी के बेटे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, उन्होंने आज नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार के कैबिनेट से जब वो बाहर गए हैं तो शाहनवाज हुसैन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि महागठबंधन अब बिखरना शुरू हो चुका है और देखिए आगे आगे क्या होता है। वहीं पलटवार किया है बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी डूबता हुआ सूरज है, चिंता नहीं करें, झटका बीजेपी को लगना है। अब ऐसे में संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मदन सहनी ने क्या जवाब दिया है, दोनों को सुनिए। देखिए, महागठबंधन का हाल यही हुआ है कि सब बिछड़े बारी बारी। आज जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उन पे, उस पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं 23 तारीख को, विपक्षी दल को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ खुद जो उनके साथ एक मजबूत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी उनके साथ जुड़ी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, उसने साथ छोड़ दिया। तो बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी, नीतीश जी अब तन्हा तन्हा रह गए, बाकी सब उनको छोड़कर जाने वाले हैं, और बिहार की जनता ने भी महागठबंधन को पूरी तरह छोड़ दिया है। लोकसभा के चुनाव में इसका पता लगेगा। आज संतोष मांझी का इस्तीफा यह साफ संकेत है कि महागठबंधन में भारी दरार है। जीतनराम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्या दिया है, बीजेपी ने तो खूब हमला बोलना शुरू किया है। अब कह रहे हैं कि महागठबंधन अब बिखर जाएगा। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी मौजूद हैं। जिस तरह से आपने आज देखा, जीतनराम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दे दिया है, और अब बीजेपी का भी हमला जो है वो शुरू हो चुका है, 23 जून को बड़ी बैठक होनी है, आपको लगता है कि ये एक बड़ा झटका है? बीजेपी क्या सोच रही है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो तो डूबता हुआ सूरज है। अब उनको तिनके को डूबते हुए को तिनके का सहारा वाली कहावत चरितार्थ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र से पूरी तरह जो है सो अब मिटने वाली है। और मांझी जी का जहाँ तक सवाल है, कल तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनता दरबार होता है उसमें संतोष मांझी जी के साथ थे, और आज पता नहीं क्या हुआ, हम लोग को तो जानकारी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि JDU की ओर से दबाव बनाया गया कि हम पार्टी का मर्जर कीजिए। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का और माननीय नेता, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का यह स्वभाव ही नहीं रहा है कि वो किसी के साथ किसी तरह का दबाव बनावे, और मर्जर का तो कहीं दूर दूर तक हम लोग को कोई चर्चा नहीं है, लेकिन इस संबंध में तो हमारे दोनों दल के शीर्ष नेता ही बता पाएंगे, और हमको इसमें कहीं कोई दम नहीं नज़र आ रहा है और उसका कोई औचित्य भी नहीं है। महागठबंधन को जिस तरह से बड़ा झटका बताया जा रहा है, बीजेपी करेगी बड़ा झटका, महागठबंधन को कोई झटका नहीं। झटका तो जिसको लग रहा है वो जवाब दे रहे हैं, उनको संतुष्टि मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, उनको लग रहा है कि अब जो है हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा, लेकिन कोई भला नहीं होने वाला है। महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है, और आज भी हम लोग को पूरा पूरा भरोसा है आदरणीय जीतन राम मांझी जी पर, और उन्होंने तो दो चार दिन पहले भी बयान दिया है
कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमको भगाएंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम लोग को आज भी पूरा भरोसा है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम लोग के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, सर से इस्तीफा दिया है 23 जून की बैठक से पहले, आप लोग के लिए तो एक चुनौती हो गई ना, क्योंकि सवाल कोई चुनौती नहीं है, चुनौती भारतीय जनता पार्टी को है। 23 जून को मतलब जो बैठक होगी वो चुनौती रहेगी? नहीं, कोई चुनौती, वो उनके लिए चुनौती है जिनके खिलाफ यह एकजुटता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश के जो विपक्ष के नेता विभिन्न राजनीतिक दल के और विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और पटना में उस दिन बड़ा राजनीतिक बदलाव आएगा, एक समीकरण बनेगा, एक मैसेज जाएगा और वह दिन ऐतिहासिक होगा पटना की धरती पर। देखिए, तो जितेंद्र मांझी के बेटे ने इस्तीफा क्या दिया, संतोष कुमार सुमन ने इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार की कैबिनेट से, आज देर शाम को कैबिनेट की बैठक भी होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी हो या जेडीयू के उस बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सैनी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, हमने सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।